है कार्बोनाडो ड्रिफ्ट है। और भाई कल की तैयारियां हो गई हैं एकदम प्रॉपर। सब कपड़े भी पड़े हैं इधर, सब ये सब चार्ज वीज हो रहा है। ये चार्ज हो चुका है, अभी लैपटॉप चार्ज करना है। सब इस वाले बैग में डालूंगा और ये वाला बैग पीछे बांधना है। और बाकी सब इसमें यहाँ पर्स रख लिया है, नीचे गाड़ी कागज़ है, ये मेरा ये रहा चश्मा, ग्लव्स है, माइक्रो फाइबर क्लॉथ है। और भाई इधर क्लीनर है, ये हेलमेट सैनिटाइजर रख लिया है, इधर मैंने स्पैनर रख लिए हैं दो। और इधर भाई वो है क्या कहते हैं इसका रेन कवर। और भाई बाकी सब कुछ तो यही है, सब ये सब अभी रखना है मेरे को। वॉच चार्ज हो चुकी है लगभग, और तो कुछ नहीं दिख रहा भाई रखने वाला। तो अब सीधे कल मिलते हैं आपसे। सो व्हाट इज़ अप भाई लोग, गुड मॉर्निंग। निकल चुके हैं आज। एक ड्रास्टिकल चेंज हुआ था कल कि मेरे को जहाँ जाना था मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, दूसरी जगह जा रहा हूँ। और ये लखनऊ अभी निकला हूँ, हाईवे की तरफ पहुँचा हूँ, स्टेट हाईवे पे हूँ अभी। अभी इधर से लगभग वही 40-50 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, तब मेरे को नेशनल हाईवे मिलेगा। और फिलहाल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की गाड़ी है, इसमें थोड़े कपड़े हैं मेरे, इसमें लैपटॉप वगैरह रख लिया है, आगे टैंक बैग लगा लिया, बाकी सब रेडी रेडी हो चुके हैं। अब मिलते हैं आपसे सीधे मोटो व्लॉग सेटअप पे। बस जल्दी जल्दी अब इसको क्रॉस करते हैं भाई, और क्रॉस करके हाईवे पे निकलते हैं। और भाई क्या ही बताऊं, बाकी यही टैंक बैग है जो मैंने अभी लिया था, और पीछे कार्बोनाडो का मेरा बैग है GT3, अभी रिसेंटली परचेज किया था मैंने, लगभग भाई 1 मंथ के करीब हुआ, अभी 1 मंथ नहीं हुआ है, 28 तारीख को 1 महीना हो जाएगा भाई, 28 टू 1 मंथ हो जाएगा, 28 अक्टूबर को मैंने परचेज किया था इसको भाई। लेकिन एक चीज है, टैंक बैग में स्पेस बहुत है, बहुत ज्यादा स्पेस है। अरे मतलब कि आप चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, आपका DSLR कैमरा वैमरा सब इसमें रख सकते हो भाई, सब कुछ इसमें आपका प्रॉपर आ जाएगा और कोई इश्यू नहीं होगा भाई। एक्सटेंड भी होता है ये थोड़ा सा, मतलब 1 इंच के करीब ऊपर भी हो जाता है। ताकि भाई यहाँ तो मेरे को चलाने में ना थोड़ा डर लगता है, कभी भी कोई भी कहीं से भी निकल आता है यार, वही उसी बात का ये डर रहता है भाई, बस कोई एकदम अचानक से सामने आ जाए।
सो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग गोरखपुर वाले बाईपास पे, और धूप भाई बहुत तेज हो रही है। तो एक मिनट, ये है वो बाईपास, बढ़िया है भाई, एक नंबर रोड है, कहीं कोई पॉट होल नहीं, कुछ नहीं है। ये बाईपास है सीधे इधर, मेरे को गोरखपुर सिटी के अंदर से नहीं जाना पड़ेगा, ये बाईपास बहुत सही बना हुआ है। और भाई अभी टाइम बच गया है भाई 2, और ठीक ठाक ही आ गए भाई। सिंगल लेन हाईवे से आना इधर तक भाई बहुत बहुत है, 2 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ से अब मेरे को लगभग वही 5 से 6 घंटा लगेगा, और मतलब वही 8 साढ़े 8 बजे तक लखनऊ में टच कर दूंगा भाई।